बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। आज वो एक बहन ने कॉल की थी कि अपने वालदा के वाकयात मशरे राह हो सुनाए, माशाल्लाह। उस पर मुझे याद आया, माशाल्लाह, बहुत दिलचस्प। मेरी वालदा माजदा जी, जिनका नाम आमना खातून था जी, तो खुद भी बड़ी वलिया थी और बहुत बड़े वली कामिल थे, बहावन नगर मिंचनाबाद का इलाका है जी वहाँ के, और उनका नाम था मेरे नाना का कारी अबुल हसन साहब हाशमी। अच्छा, तो हाशमी कुरेशी हैं, वो सैयद हैं उस तरफ से जी। तो नाना जो है ये मुरीद हैं हिंदुस्तान के बड़े बुज़ुर्ग शाह अब्दुल रहीम जी, शाह अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, और ये हज़रत हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के बुज़ुर्ग हैं। अच्छा। उनके बड़े मुरीद ख़ास थे हमारे ये नाना। तो जैसे बुज़ुर्ग अपने मुरीदों को मुख्तलिफ जगहों पे भेज देते, जाओ तुम वहाँ खिदमत दीन के लिए जाओ, तो शाह अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने वालिद साहब नाना साहिबा को, नाना जी को ये मिंचनाबाद के इलाके में भेजा। अच्छा। वहाँ अपॉइंट किया कि वहाँ जाकर जो है वो अल्लाह का नाम फैलाओ। तो कारी अबुल हसन साहब हाशमी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ मिंचनाबाद में रहे, तो उनकी जो है साहिबजादी हैं मेरी वालदा। मेरी वालदा में विलायत मारफत और दर्द दिल खूब था, लेकिन इंतज़ामी मामलात में भी ऐसी परफेक्ट थी वो। तो एक मरतबा ये है कि मैं कराची में जब था तो कराची में तशरीफ़ लाई, अपनी वफात से गोया कि वो 15 दिन पहले वो मैं कराची तशरीफ़ लाई, मेरे पास गोया कि 40 दिन एक चिल्ला पूरा मेरे पास कराची में रहीं। हुआ यह कि कराची में आप जानते हैं कि सर्दियों के ज़माने में वो मूँगफलियाँ बेचने वाले वो गुजरते हैं और वो टली बजाते हुए, तो वो गुजरा कोई, तो वालदा ने पूछा कि ये कौन है, तो मैं और आवाज़ भी वो लगा रहा है, गरम मूँगफली ले लो। तो मैंने कहा अम्मा वो मूँगफलियाँ बेचने वाला है। कहता अच्छा, तो टाइम देखा तो रात के 11:30-12 बज रहे हैं जी। तो कहा कि सर्दी का मौसम और ये रात के 11:30-12 बजे में लगता है बेचारे का माल बिका नहीं, मुनीर तू जाके ना इससे मूँगफलियाँ खरीद ले जी। तो मैं कहा ठीक है अम्मा। मैं उठने लगा तो मेरे छोटे भाई मेरे साथ बैठे थे, मुफ्ती खलीक अहमद अखून, वो भी कराची आए हुए थे जी। उन्होंने कहा अम्मा ये दिन का रोज़ का काम है, ये तो रोज़ ही इसी तरह करते हैं, यहाँ आके जब बेचते फिरते रहते हैं, अब इस वजह से कि भी घर नहीं गया, कहते चुप कर तो बस तू अपना पेट सामने रखते हो, मुनीर जा जाके मूँगफली खरीद। मैं चला गया, उसको आवाज़ दी, मैंने मूँगफलियाँ खरीदी। तो अगले दिन फिर वही, तो फिर वालदन के मुनीर वो फिर आ गया, बेचारी की लगता मूँगफलियाँ बिकी नहीं, जा उससे खरीद ले, कोई बात नहीं तुझे ज़रूरत नहीं भी तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। मैंने फिर खरीदी। तीसरे दिन फिर, तो छोटे भाई ने फिर वो मजामत की, अम्मा ये तो रोज़ आते हैं, आप ये रोज़ खरीदेंगे हैं? कहता हाँ कोई बात नहीं, रोज़ खरीद लेंगे, उस बेचारी की ज़रूरत है ना, अपना ही पेट। कहा इंसानियत तो यही होती है, किसी दूसरे के दर्द को सामने रख के आप पैसे खर्च करें, अपनी ज़ात पर तो सभी करते हैं, तो जाओ मुरीद ले ले। अब यकीन करें 40 दिन मैं रोज़ाना मूँगफली खरीदता रहा हूँ कि अम्मा ने कह दिया, क्योंकि मैं इस हवाले से अपनी अम्मा का अपने अब्बा के इस हवाले से बड़ा ताबेदार था और उनसे इश्क के दर्जे में उस मुझे उनसे मोहब्बत थी और उन्हीं की बरकतें हैं कि आज अल्लाह दीन का काम ले रहे हैं। तो मैं 40 दिन जो मूँगफली खरीदता रहा और अम्मा ये कह के देखो किसी के दर्द को सामने रख के पैसा खर्च करना यह है कमाल इंसानियत का, अपनी ज़ात के लिए सारे खर्च करते ये कोई कमाल नहीं है। तो उसको देख के अगर रात 11-12 बजे सर्दी में बेचारा घूम रहा है तो माल बिका नहीं है, बच्चे बीवी बच्चों के पास उसको भी जाने को चाहिए है, इसे जाके खरीद। तो मैं जनाब वो खरीदता रहा, माशाल्लाह। तो ये उनके अखलाक थे और इस तरीके से वो दूसरों के दर्द को सामने रख के जो है हमें तरबियत करती थी कि ये करो। तो मज़े की बात ये कि अभी पिछले हफ्ते की बात है कि ये संडे का प्रोग्राम करके मैं जब गया हूँ, एक तरबूज बेचने वाला सामने खड़ा। अच्छा। वो जो है वो उसका गाड़ी है और गाड़ी के पीछे तरबूज रखे हुए हैं, तो मैंने जैसे उसको देखा मैं सोचा तरबूज तो मैं कास्को से लेके आ गया हूँ, 3-4 घर में पड़े हैं, तो लेके मैंने कहा यार ये धूप में यार बेच रहा है, तो मुझे अम्मा की बात याद आ गई। अच्छा। अम्मा की बात याद आ गई, वो अम्मा जी कहा करती थी कि भाई दूसरे के दर्द, मैं कह यार ये बेचारा जो है, मैंने ये यासिर सलीम से कहा यार ये बेचारा जो है ये तरबूज बेच रहा है, फाद भी मेरे साथ था, डॉक्टर फैसल भी, मैं कह यार मुझे अपनी अम्मा की नसीहत याद आ गई, इस उस नसीहत की बेस पे मैं कई दफ़ा ऐसे ही करता हूँ अक्सर, तो मैंने कहा यार इसे तरबूज ले लो, लिहाजा उससे मैंने 2-4 तरबूज लिए और वो भुट्टे बेच रहा था भुट्टे लिए, तो मैंने कहा आज मैं वो अम्मा की नसीहत फिर मुझे याद आई कि किसी दूसरे का दर्द उसकी फिक्र को रख के उसका माल खरीद लो, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको वो बरकत अता फरमाते हैं जो आपको कोशिश से हासिल नहीं होगी। तो हकीकत ये वो चीज़, आज ये चीज़ हम में पैदा हो जाए और नाजरीन जो है इस बात को देख रहे हो सुन रहे हैं कि बस ये दर्द पैदा कर लें किसी के लिए
जीना ये है जीना, अपनी ज़ात के लिए जीना जीना नहीं, बस बस ये पल्ले बांध लें, किसी के लिए खर्च करना, किसी के लिए जीना, इसी पे और इसी पे अल्लाह विलायत देते हैं। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहिम मैंने तुझे अपना दोस्त क्यों बनाया? कहा जी क्यों बनाया? कहा तेरे तहज्जुदों और तेरे जिक्र तेरी नमाजों की बातों की वजह से नहीं बनाया, मैं तेरे दिल को झांका, तेरा दिल दूसरे के लिए तड़पता है, दूसरे को देकर तेरा दिल खुश होता है, दूसरे से लेकर खुश नहीं होता, इस वजह से मैंने अपने दोस्त बना लिया। तो ये जो दिल है ना दूसरों के लिए करने वाला, ये दिल अल्लाह के यहाँ कबूल होता है। भाई ये दिल बनाए हम तो इंशाल्लाह दुनिया आखिरत आसान हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सबक है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने वाला करने सबक वाला है। बिल्कुल, यानी ऐसा नहीं है कि हमें मौका नहीं मिलता, हमें रोज़ मौका मिलता है, हर वक्त मौका मिलता है। तो इससे अगर हम सबक सीखें और यही सोच ले कर अपने इसी दिल के साथ दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव करें तो अल्लाह वो कबूल करेंगे। बहुत खूब।